Hi guys, I'm Divya and you're most welcome on this channel, Aesthetic Divya. मैं इस चैनल पे होम डेकोर डीआईवाई एंड ऑर्गेनाइजेशन टाइप के वीडियोस बनाती हूँ एंड आज का जो वीडियो है वो है आइकिया हॉल बट विद अ ट्विस्ट. ट्विस्ट ये है कि अंडर 100 रुपीज में क्या चीजें मैंने लिया आइकिया से मैं वो दिखाने वाली हूँ. इसके पहले मैं प्रॉपर फुल फ्लैश्ड आइकिया वीडियो कर चुकी हूँ, हॉल वीडियो कर चुकी हूँ, उसके लिंक मैं ऊपर दे दूंगी आई बटन में, इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट. और आज का जो वीडियो है उसमें मैंने अंडर 100 रुपीज वाली चीजें दिखाई है. और आइकिया जो है वो होम डेकोर यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का ब्रांड है, तो अंडर 100 में बहुत सारी चीजें हैं आइकिया में. यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट तो कम ही आता, मतलब कम में ही आते हैं, बट मैंने मेजरली होम डेकोर को कवर किया है. तो लेट्स सी कि आइकिया हमें क्या क्या ऑफर करता है अंडर 100 रुपीज. तो सबसे पहला जो है वो है ये ग्लास वास. ये क्लियर ग्लास का है एंड इसका शेप काफी प्यारा है और ये सिर्फ 99 रुपीज का था, कैन यू गेस दैट. और क्वालिटी अच्छी है, बहुत पतला सा नहीं है. एक बार मैंने होम सेंटर से लिया था, वो 99 का था, बट वो इतना पतला था और बस थोड़ा सा गिरा और फूट गया. बट ये आई थिंक स्टडी है, ओवरऑल इट्स नाइस. Now the second product is this tea light candle holder. तो ये छोटी जो टी लाइट कैंडल होती है वो रखने के लिए है ये. और ग्लास का है, क्लियर ग्लास. इसमें सामने थोड़े पैटर्न बने हुए हैं, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, और बहुत ही प्यारा है. मैंने दो लिए इसमें, बट कैन यू गेस द प्राइस. ये सिर्फ 35 रुपीज का है, 35 रुपीज ईच, मतलब 70 रुपीज के दो. तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे और बहुत ही इकोनॉमिक लगे, कॉस्ट इफेक्टिव लगे, जस्ट ऑसम. 35 रुपीज में क्या मिलता है यार, सो इट्स वेरी क्यूट ऑल्सो. Now the second product is kitchen से related. ये है दो बाउल में, बस उसमें इसके description में पास्ता बाउल लिखा था. तो ये white color के online मंगाए थे मैंने और ये भी बहुत महंगे नहीं थे. मुझे exact price याद नहीं है. सारे के price और जो उनका नाम है वो मैं screen पे mention कर दूंगी and link मुझे मिलेगी तो description box में दे दूंगी. Set of two बाउल, set of two नहीं है ये, actually single single है. मैंने दो लिए हैं तो अच्छे हैं, सरामिक है और क्वालिटी वगैरह अच्छी है, ओवरऑल इट्स नाइस. नाउ द नेक्स्ट इज दिस स्टिक. अभी ये क्या है क्यों मैं पता नहीं, बट मुझे क्यूट सा लगा एंड प्राइस भी ज्यादा नहीं था, 70-75 रुपीज का था और बस ऐसे मास्क में डाल दिए, वो प्यारा लगता है ना मस्त. तो मुझे डिफरेंट सा क्यूट सा लगा तो मैंने ले लिया, सो इट्स नाइस. और फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर के कलेक्शन भी बहुत अच्छे हैं आइकिया में, बट वो कॉमन हो रखे सब लेते हैं तो इससे मैंने नहीं लिया, सो इट्स नाइस. नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस क्यूट सी छोटी सी अलार्म क्लॉक. इसमें ना मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है, ये 100 रुपए से थोड़ा सा एक्सीड किया, 110-112 रुपीज का था. तो बहुत छोटी सी क्यूट सी, इसके पीछे एक सॉकेट दिया है बैटरी लगाने के, एक बैटरी लगेगी इसमें बस, और टेबल पर रखने के लिए है. बहुत प्यारी, छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बट बहुत ही क्यूट सी मुझे लगी. एंड मोबाइल में अलार्म लगाओ तो क्या होता है, बंद करके सो जाते हैं. दिन की शुरुआत ही मोबाइल से ही होती है, तो इसलिए मैं काफी टाइम से चाह रही थी कि मैं ऐसी ओल्ड स्कूल अलार्म क्लॉक लूँ एंड मुझे काफी अच्छी मिल गई तो ले लिया. इसको शायद मैं आगे गोल्डन स्प्रे पेंट करूंगी तो ज्यादा और क्लासी लगेगी ये, तो इट्स अ नाइस वन. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ स्टार प्रोडक्ट, मतलब यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, ट्रस्ट मी. इट्स अ सेट ऑफ सिक्स ग्लास, इस तरीके की ग्लास है ये. तो सेट ऑफ सिक्स है और काफी मोटा ग्लास है, ऐसे पतला सा नहीं है, बहुत मोटा है. सेट ऑफ सिक्स है एंड कैन यू गेस द प्राइस, इट्स जस्ट फॉर 99 रुपीज. मतलब मुझे ग्लास की उतनी जरूरत भी नहीं थी, मेरे पास है ऑलरेडी, बट ये थी क्यूट सी प्यारी सी है और सिर्फ 99 रुपीज की है, तो मैंने सोचा वाई नॉट. और बस ओनली डिसएडवांटेज मुझे इसमें लगा कि इसका साइज बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा छोटा है साइज. पानी पीने के हिसाब से आई थिंक थोड़ा और बड़ा होना था, या इसमें जूसेस वगैरह आप सर्व कर सकते हैं, सो इट्स नाइस. और ये स्टैकेबल है, इसके पहले भी मैंने पहले वाले वीडियो में भी ग्लास का सेट दिखाया था, वो टिंटेड ग्लास से थोड़े बड़े थे, वो भी स्टैकेबल थे, ये भी स्टैकेबल है, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो ज्यादा जगह भी नहीं खाएंगे. और कंसीडरिंग द प्राइस एंड क्वालिटी इट्स ऑसम मैन. Now the next product is again a glass vase, but इसका shape थोड़ा अलग है, थोड़ा broad है ये,
और ग्लास का ये मोटा ग्लास है, इन पतला ग्लास नहीं है। और इसको इसका जस्ट बिकॉज ऑफ द शेप मैंने इसको लिया है, काफी अलग है। सिर्फ पानी डाल के आप फ्लोटिंग कैंडल्स डाल सकते हो, फ्लास्क डाल सकते हो, मतलब मॉडर्न कुडली टाइप का भी काम करेगा ये। और अच्छा लगा मुझे, ओवरऑल प्यारा लगा, इसलिए मैंने ले लिया एंड काफी कम प्राइस में था। Now the next product is this candles, बहुत मोटी सी कैंडल है ये और ये 99 रुपीस की ईच है शायद। और इस टाइप की कैंडल्स अभी काफी ट्रेंड में है, मैंने दो ली है ये थोड़े से फेस्टिव लुक क्रिएट करने के लिए। अभी दिवाली आने वाली है एंड सीजन आने वाले हैं तो अच्छा लगेगा ये डेकोरेशन में। और इस टाइप की कैंडल्स मुझे काफी टाइम से चाहिए थी और क्रिसमस आने वाला है उसमें भी काफी काम आई है, तो इट्स अ नाइस प्रोडक्ट। And the last product is this. Let me show you. ये candle holder, ये मैंने खुद नहीं लिया है, मुझे gift मिला है, but ये idea से है and 99 rupees का है, सिर्फ metal का है। और इस तरीके से इसमें texture बना हुआ है, रात में इसका reflection भी आता है, अगर candle आपकी बड़ी है तो बाहर reflection भी बन के आता है, तो काफी प्यारा है। एंड इसको भी मैं स्प्रे पेंट करने का प्लान कर रही हूँ, तो इट्स अ नाइस ऑप्शन। द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस कैंडल, ये जार के साथ आता है और वाइट कलर की है और आई थिंक 79 रुपीज़ की है। इसमें हल्की सी सेंट है तो अच्छी है, कंसिडरिंग द प्राइस एंड एवरीथिंग दिस इज अ गुड ऑप्शन। सो इतने ही प्रोडक्ट है जो मैंने आइकिया से लिया अंडर 100 रुपीज़। दो और प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी। एक आइकिया का हैंड वॉश डिस्पेंसर आता है, वो आई थिंक 50-60 रुपीज का है, एक्रेलिक ट्रांसपेरेंट सा, काफी अच्छा आप वो ले सकते हैं। एक फ्लावर से जो आइकिया की है, आइकिया के आर्टिफिशियल फ्लावर बहुत अच्छे हैं, बहुत रियल लगते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पता है आइकिया में जो अंडर 100 बहुत अच्छा है तो आप मुझे रिकमेंड करो कमेंट सेक्शन में। एंड इन सारे प्रोडक्ट में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आगे ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हो क्या मुझे बताओ, और ऐसे चैलेंज वीडियोस आपको कौन से ब्रांड के करने हैं, अंडर 100, अंडर 500 मुझे रिकमेंड करो, मैं वीडियोस बनाऊंगी। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल रिप्लाई। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गिव इट अ लाइक यार, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है आप लोगों का, बट मुझे बहुत कुछ मिल जाता है, तो लाइक कर दिया करो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि मेरी कोई वीडियोस आप मिस ना करें। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो इस टाइप का कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून, हियर टिल देन, बाय बाय। नाउ और